हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर आप जो रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं, आप जो रिंग फ्लैश यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है। तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं कौन से रिंग लाइट्स का यूज़ करता हूँ। तो ये है मेरे पास जो लाइट मैं यूज़ करता हूँ, ये है दोस्तों योंगनू का YN608, योंगनू का 608 नंबर का एक रिंग लाइट मैं यूज़ करता हूं और इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं और सारा कुछ कोशिश करता हूं आपको बताऊं। तो यहां सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में आपको बतानी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये लाइट बेटर है, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए ये लाइट बेटर है, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आपको क्लोजअप खींचने हैं स्टूडियो में या फिर ब्राइडल लुक के, तो आपके लिए लाइट बेटर है। और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस में आपसे आज शेयर करने वाला हूं, तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना लेट किए। तो यहां से ये लाइट हमने ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं तो इसे मैं ओपन करके रखा हूं, तो मैं यहां से इसे ओपन करता हूं। तो बैक से जब आप लाइट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक काफ़ी सुंदर सा एक बैग है और बैग में योंगनू लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे मैं फटाफट ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो लाइट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई देती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है योंगनू 608। अगर आप चाहें तो ये लाइट ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लाइट है। इसका जो प्राइसिंग है और सारा कुछ डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से मंगा भी सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर एक हैंडल मिलता है और इसके अलावा ये एक यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड के अलावा यहाँ पर मिलता है एक रिमोट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम इसे देखते हैं कि मैं ये लाइट काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सेटिस्फेक्शन होने के बाद इस लाइट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ आज। तो दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये जो हैंडल दिया हुआ है, ये हैंडल यहाँ पे इस तरीके से लग जाता है। अब सबसे मज़े वाली बात यह है कि ये जो हैंडल है आप इसे किसी भी ट्राईपोड में या फिर किसी भी स्टैंड में इस तरीके से फ़िट कर सकते हैं, इस तरीके से फ़िट करने के बाद। एंड सेकेंड थिंग ये है कि इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप इसे दो बैटरियाँ लगाएंगे, दो बैटरियाँ लगा के ये लाइट डायरेक्ट चालू हो जाती है। तो अगर आप इसे बैटरी के बदले बिजली से चलाना चाहें तो यहाँ पे इसका एक डीसी अडॉप्टर भी दिया हुआ रहता है। डीसी अडॉप्टर इसमें आता नहीं है बट आपको इसे लेके यूज़ करना पड़ेगा, तो आप डीसी अडॉप्टर के साथ इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं बिजली के साथ। तो यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन है और सबसे अच्छी बात इसमें है, तो दोस्तों इसमें जो कलर टेम्परेचर दिया हुआ है वो 3200K से 5500K तक के बीच का कलर टेम्परेचर है। यानी कि आप इसमें वार्म लाइट भी दे सकते हैं और आप इसमें कूल टेम्परेचर भी दे सकते हैं, यानी कि वाइट लाइट भी दे सकते हैं। तो आइए अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके से लाइट देते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसमें दो बैटरी लगाई हुई है, दो बैटरी मैंने यहाँ पे सिंपली लगाया हुआ है। इसके अलावा इसका ये जो रिमोट है इसमें भी हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है। बैटरी लगाने के बाद अब अगर यहाँ से मैं इसे ऑन कर दूँ, यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो बिट्टू के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइट जा रही है। अगर आपको वहाँ से दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए, ये मैं ऑफ़ करता हूँ और यहाँ से ये सिंपली मैं ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑन ऑफ़ करता हूँ तो आप इसके लाइट का फ़र्क देख सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस रिमोट के थ्रू भी इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप वेडिंग शूट में जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि, या फिर आप अगर YouTube वीडियोस बना रहे हैं या फिर आप एक मेकअप आर्टिस्ट है और मेकअप आर्टिस्ट भी जब एक मेकअप करते रहते हैं तो उसे लाइट कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता अगर आपको लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं से एक रिमोट के थ्रू ही आप इसे ऑन एंड यहां से ऑफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी इनके ऊपर मिक्स लाइट पड़ रही है, येलो एंड वाइट दोनों लाइट पड़ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं किसी भी एक लाइट को यहाँ से पूरे तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे देखें अब यहाँ इनके फेस पे आप देख सकते हैं कि इनके फेस पे पूरी की पूरी येलो लाइट पड़ रही है, यानी कि टेम्परेचर हाई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनके फेस पे पूरी की पूरी कूल लाइट पड़े तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेम्परेचर के ऊपर आऊँगा, इसे चेंज करूँगा एंड 32 केल्विन पे जाके इसे मैं माइनस करूँगा यहाँ इस सिंपल से एक बटन से। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पूरी मेरी डिम हो गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लाइट है ये सिर्फ मैं यहाँ से वाइट लाइट को इनक्रीज़ करूँ तो देख सकते हैं ये सिर्फ वाइट लाइट इंक्रीज़ हो रही है इनके फेस पे। और अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से पूरी वाइट लाइट हटा के अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे सिर्फ येलो या वार्म लाइट यहाँ पर डालनी है तो मैं यहाँ से सिंपल सा एक बटन को स्विच करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ से मैं इसे पूरी की पूरी वार्म लाइट यहाँ पर
लाइट दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई आपको वार्म लाइट एंड कूल लाइट दोनों मिक्स करके इसका टेम्परेचर रखना है, तो आप दोनों लाइट को वन बाय वन बढ़ा के एक साथ इसके ऊपर एक मिक्स लाइट जैसा इफेक्ट दे सकते हैं। और ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे आप जब चाहें तब ऑफ एंड जब चाहें तब इसे आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, यानी 5-6 अलग अलग चैनल। अगर आपका सियोंगनू की ये लाइट है अलग अलग 3-4, तो आप इसी से बहुत अच्छा क्रिएटिव फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप ब्राइडल लुक के लिए फ़ोटोशूट करने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी लाइट है। आप स्पेशली आप देखें कि इसमें जो, अगर मैं इस लाइट की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे फेस में बहुत अच्छे से कवर अप देता है। आप इससे ब्यूटी शॉट्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और बहुत, हालांकि यहाँ पे बिट्टू भाई जो है, हम बिट्टू भाई, आप दुल्हन बनना पसंद करेंगे क्या? तो बिट्टू भाई दुल्हन बनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप ब्यूटी शॉट बहुत अच्छे ले सकते हैं इससे, इस लाइट से स्पेशली। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी अच्छा एक लाइट इनके ऊपर पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आप जब भी जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप इस लाइट को ऐसे स्टैंड पे लगाएं, ये सिंपली इस तरीके से अगर आप इसे निकालेंगे तो सिंपली ये इस तरीके से निकल जाता है। अब आप चाहें तो इसे टॉप एंगल से दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे नॉर्मल एंगल से दे सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइट बहुत ही हैंडी है और बहुत अच्छी है। इसके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप इंटरनेट में देखें, आप मेरे कुछ फ़ोटोज़ में अगर आप देखें कि रिंग लाइट से खींची हुई जो फ़ोटोज़ हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राजा अवस्थी 007। तो ये लाइट दोस्तों ओवरऑल बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये लाइट आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप छोटी छोटी दो बैटरियाँ कैरी कर सकते हैं। और अगर आप बैटरियाँ कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका एक एसी अडॉप्टर या डीसी अडॉप्टर ले सकते हैं, तो उसके साथ भी ये लाइट बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस लाइट से खींचे हुए वीडियो शूट कैसे दिखते हैं या इस लाइट से खींचा हुआ फ़ोटो कैसा दिखता है, अगर आपको उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ब्राइट शूट आपको उससे करके दिखाएं। एंड दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।